उनको आगे आ चलो नहीं थोड़ा उनको आगे आ दो कमिश्नर साहब सीन लेने का वो सीन बताओ उसमें सर सर नासन अरे यारो बाग बस थोड़ा मोबाइल नहीं चला तो वायर लो ना वायर लो ना तो मैं जिम्मेदारी लेता जो पड़े हुए पुराने लगाओ मुझे बोलो खाली कौन है वो मैं अभी और देशपांडे को बोलते हैं तांबडे नहीं भैया असल में हमारे को जिम्मेदारी दी हमारे जैसा ये बस्ती के लिए इस्तेमाल आप देना बहुत जरूरी है ना कि हम बहुत बीमारियां फैल जाएंगी और बहुत परेशान हो जाएंगे लोग और ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है साहब हम बोल रहे हैं आपकी सीवरेज का प्रॉब्लम तो बस हमारे को अच्छी रोड नहीं है वो अच्छा कचरे के साथ ले सर कचरे के साथ आएंगे तो की बात है ना अजहर भाई थोड़ा सा चांस दो ना थोड़ा सा कचरा साफ करो अजहर कॉलोनी मध्ये इथे सन्माननीय सर्व नगरसेवकांनी म्हटलं या भागामध्ये ड्रेनेजचा विषय आहे त्याची पाणी देण्यात आली आहे आणि या भागाचा आपण बनवून त्या हिशोबाने हा विषय सोडवण्याचा आपण काय करणार साहेब त्या वार्डासाठी आपण याच्यामध्ये आपण आता जो मूळ विषय सर्व नागरिकांनी लक्षात आणून दिलेला आहे तो ड्रेनेजचा आहे ड्रेनेजच्या बद्दल आपण याच्याबद्दल एस्टिमेट बनवून घेतो आणि टेक्निकली काय फिजिबल आहे सर आणि दुसरा विषय जे यांनी लक्षात आणून दिला ते वायर्स लो हँगिंग आहेत त्याच्याबद्दल पण आमच्यासोबत इलेक्ट्रिसिटीच्या इंजिनियरनी पाहिला त्याच्यावर पण किती दिवसात करणार सर आपण एस्टिमेट आपण लवकर बनवून घेऊ अच्छे से बनाया हो तो ये प्रॉब्लम
लगाए तुमने रास्ते में? हाँ तो रास्ते में लगाना तो आम देंगे ना आए और बस देखो सर घर का स्टैंडर्ड ऐसा लगता 44 है लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं यहाँ पर। हम तो ये भी बोलने के लिए तैयार हैं यहाँ के लोग कि भाई यहाँ पे आप लोग एक कैंप लो, कैंप लेके इसको रेगुलराइज करो, ये पैसा भरने के लिए जब तो हमारे बाहर जरी पैसे वापरले आम्ही तुम्हाला पालिकेला पेमेंट करणार नाही, फक्त इथे वापरतो ना आमचे 1 करोड़ रुपये सगळ्या नगर सरपंच डिस्ट्रिक्ट वाला हम काम चालू कर देते सेंशन दे देतो आज औरंगाबाद महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक जो है तो उनकी कुछ औरंगाबाद शहर के ऐसे एरियो की विजिट करवाई गई क्योंकि वहां के जो सम्मान्य नगर सेवक अजीम खान है, रफीक चीता है और सईद फारूकी है, वो लोगों की डिमांड थी कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उनके एरिया में आकर वहां के हालात का जायजा लेना चाहिए। तो कल उनसे मिलकर सर तमाम लोगों ने उनसे वक्त मांगा, आज 5 बजे का उन्होंने वक्त दिया और रोशन गेट एरिया से उनका हमने मायना शुरू करवाया, उनकी विजिट करवाई। तो रोशन गेट के आसपास उन्होंने खुद देखा कि कचरे के अंबार लगे हुए और आज जो एजेंसी प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया गया है उसकी जिम्मेदारी है कि शहर में कहीं कचरा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि करोड़ों रुपये दिया जा रहा है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने ये बात रखी गई, उन्होंने वहां अधिकारियों से पूछा कि ये कचरे के ढिगार यहां कैसे लगे, तो अधिकारी ने वहां सही तरीके से उनको जवाब नहीं दिया। तो उस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि यहां से ये कचरा फौरन हटाया भी जाए और उसके बाद में यहां दवा का छिड़काव करके इसको सही तरीके से इसका यहां का काम किया जाए। दूसरे रोशन गेट मदनी चौक जो है वहां से लेकर सेंट्रल नाका जो जोन नंबर 3 आता है वहां की रोड पर कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की गई कि आपकी कार में नहीं बल्कि हमारे साथ बाइक पर चले। तो रफीक चीता जो कारपोरेटर है, अजीम खान जिन दोनों ने लेकर म्यूनिसिपल कमिश्नर को और सिटी इंजीनियर को बाइक पर लेकर गए ताकि जो आवाम तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, जो गढ़ों के मार झेल रही है, उनको भी एहसास हो। इसलिए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने भी कहा ठीक है मैं बाइक के ऊपर चलूंगा और वो बाइक के ऊपर उन्होंने वहां से जोन नंबर 3 तक सवारी की और बाद में उन्हें पता चला कि गढ़ों का क्या असरात होते हैं लोगों के ऊपर। उन्होंने वहां पर फौरन जो यहाँ के सिटी इंजीनियर है SD पांझड़े साहब उनको ऑर्डर किया कि इसका पैचवर्क जल्द से जल्द करवाया जाए। तो पांझड़े साहब ने कहा कि यह बारिश का मौसम जैसे ही थमता है या धूप निकलती है तो फौरन उस रोड को हम पैचवर्क करवा लेंगे। उनके तीसरा मुद्दा था कि जोन नंबर 3 के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है और वो कचरा आज जो है बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर गया है, यानी कि आसपास के जितने भी अतराफ के लोग हैं उनकी सेहत को आज बहुत बड़ा खतरा बन चुका है वो कचरा वहां का। हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर को याद दिलाया कि आपने ठीक 2-2.5 साल पहले यहां पर 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है उन्होंने कहा था कि यहां पर हम इस एरिया को इतना अच्छा कर देंगे कि हम लोग यहां पर बैठ के कॉफी और चाय पिएंगे। तो आज उनको याद दिलाया कि आज ना कॉफी पी सकते हैं ना चाय और ना खाना खा सकते हैं घर में बैठकर, तो यहां पर बैठने की बात दूर है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उसका एतराज किया, कहा कि हाँ मैंने कहा था लेकिन ये कुछ वजह से नहीं हो सका। उस पर आज जो हमारे माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जैसा कि प्रेस के अंदर बताया अगर 10 दिन के अंदर दोनों तीनों जोन के अंदर से और जहां जहां कचरे की ढिगार है वहां से कचरा नहीं उठा तो MIM जो है अपनी स्टाइल में चाहे वहां पे तोड़फोड़ करना पड़ो या चाहे नुकसान पहुंचाना पड़ो वो एक्शन लेगी और लोगों की सेहत से जो आज खेला जा रहा है महानगर पालिका द्वारा तो उसको आज चेतावनी दी गई कि अगर ये 10 दिन के अंदर कचरा नहीं उठा तो यहाँ के हालत बेकाबू हो सकते हैं क्योंकि लोगों के सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए आज वार्निंग दिए और 10 दिन के अंदर ये कचरा खाली होना चाहिए। सैदा कॉलोनी में गए थे आप तो उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ के जो पिछड़े इलाके सैदा कॉलोनी है, बेरीबाग है, जहांगीर कॉलोनी है,
ये ऐसे इलाके हैं जहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। एक औरंगाबाद इधर बसता है और दूसरा औरंगाबाद वहां जाकर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि औरंगाबाद में ही नहीं है बल्कि किसी खेड़े में भी नहीं है। इस कदर वो लोग परेशानी की जिंदगी गुजार रहे। म्यूनिसिपल कमिश्नर को वहां लेकर जाकर वहां की जब हालत बताए तो वो खुद मैं समझता हूं कि अपने आप में सोच रहे होंगे कि मैं इस शहर का कमिश्नर हूं जहां लोगों को आज ड्रेनेज के लिए पाइपलाइन नहीं है, वहीं सेफ्टी टैंक बनाया गया है। सेफ्टी टैंक बार बार लीक होते हैं या फूट जाते हैं, टूट जाते हैं और वही गंदा पानी रोडों के ऊपर बहता है। तो उसके लिए कमिश्नर ने और हमारे सिटी इंजीनियर ने एक अच्छा नियोजन, मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा कि इसका एस्टीमेट जल्द से जल्द तैयार किया जाए। और एक वहीं पर कारपोरेशन की एक जगह है, वहां पर 1.5 MLD का जो है एक हम लोग सम बनाएंगे, टैंक बनाएंगे और उसी के अंदर वहां पे क्योंकि नेचुरल जो वहां की कंडीशंस है उसके हिसाब से वो वहां पर हम 1.5 MLD का एक पंप बनाने जा रहे हैं और वहां पर ले जाकर वो पानी को स्टोर किया जाएगा। तो ये शहीदा कॉलोनी के जो मसले थे। दूसरा मुद्दा था वहां का लाइट का जो तार है, तो आज बिल्कुल आप हाथ से पकड़ सकते हैं। इस कदर वहां की भयानक स्थिति हो चुकी है तो उसका भी टेंडर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और कल कॉन्ट्रेक्टर्स को बुलाया गया है और कॉन्ट्रेक्टर को बुलाकर ये बताने वाले हैं कि ये जो अर्जेंसी वाले काम 5 से 10 पोल लग रहे हैं मेरे हिसाब से, तो वो कल से ही काम शुरू होने वाला है। तो ये शहीदा कॉलोनी के लोगों ने भी राहत की सांस ली कि उनको भी रोडों से ज्यादा आज उनको ड्रेनेज और लाइट का मसला है। तो इंशाल्लाह ड्रेनेज का मसला तो अभी एस्टीमेट वगैरह बनने के बाद में हल होगा और लाइट का जो मसला है वो कल से ही काम पे लग जाएगा इंशाल्लाह।